फिर से मैं आ चुका हूं अपने एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा कि आज वीडियो में होने क्या वाला है, क्योंकि भाई जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक हो चुका है और मैं घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो चुका, तो सोचा कि कुछ खाने पीने की वीडियो क्यों ना बनाई जाए, कुछ रेसिपी क्यों ना ट्राई की जाए खाने की। तो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि बनाने वाला हूँ चिल्ली पोटैटो चिली, और भाई वीडियो में मैं एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कैसे बनता है और क्या क्या चिल्ली पोटैटो में डाला जाएगा वो सब मैं दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन ऑल पे, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप चिल्ली पोटैटो बनाना शायद ही भूल पाएंगे, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और भाई कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये मैंने 2 आलू लिया है, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मिर्च है जो कि स्लाइस में काटा है, और ये लहसुन है जो कि छोटे पीसेस में है, और ये प्याज चॉप कर लिया गया है, और ये शिमला मिर्च है, चिली पाउडर, ये सॉल्ट है, और ये चिली और टमाटो सॉस लिया गया है, ये चिली सॉस है जो कि घर पर बनाया है, और ये सोया सॉस है, और ये कॉर्नफ्लावर का पाउडर है। हम लोग आलू को छील लेंगे। छिल चुका है और अब बारी है इसे काटने की, जो कि हम लोग फ्रेंच फ्राइज के शेप में काटेंगे। तो दोस्तों हमारे आलू अब फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट चुके हैं, तो अब बारी है इनको हाफ बॉईल करने का। बॉईल करते हैं और उसके बाद इसमें नमक मिक्स कर देते हैं, उसके बाद इसको बॉईल करते हैं। तो दोस्तों लो फ्लेम में 5 मिनट्स तक हम लोग इसे बॉईल करेंगे। लोग इसमें ऐड करेंगे अरारोट का पाउडर। और थोड़ा सा फूड कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें पड़ेगा ऑयल फ्राई करने के लिए फ्रेंच फ्राइज को। आप देख सकते हैं काफी क्रिस्पी हमारा फ्राई हो चुका है। ये
ये है कॉर्नफ्लावर, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी इस वजह से ऐड करेंगे क्योंकि इससे हमारी जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसमें तेल डाल चुके हैं और अब इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें शिमला मिर्च। इसे भी थोड़ा अच्छे से चला लेंगे एक दो। अब इसमें हम लोग टमाटो सॉस ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमें चिल्ली सॉस ऐड कर लेना है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों सॉस को। चिल्ली सॉस के बाद हमें सोया सॉस ऐड कर लेना है। अब इसको अच्छे से दो मिनट तक चलाएंगे। अब हम लोग नमक ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद चिली, रेड चिली पाउडर। फिर थोड़ा सा हम लोग इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो अच्छे से दो मिनट तक चला लेंगे लो फ्लेम में। फिर हमें ग्रेवी को थिक करने के लिए वाटर और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर था वो डालेंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी होगी वो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। देख सकते हैं कि हमारा चिल्ली पोटैटो तैयार हो चुका है। दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों अब हमारा चिल्ली पोटैटो तो तैयार हो चुका है और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा बनाया मैंने और बाकी बातें होंगी बाद में। चिल्ली पोटैटो जो मैंने बनाया वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। और इसमें मैंने जैसे कहा था कि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, तो इसमें जो फ्लेवर जो आ रहा है वो जो स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और काफ़ी ये जो हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रेवी में मिक्स भी हो गए हैं और टेस्ट जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी चिल्ली पोटैटो की रेसिपी? आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी क्योंकि लॉकडाउन में मैं घर बैठे बैठे बोर हो चुका था, तो सोचा कि कुछ खाने पीने की वीडियो ही क्यों ना बनाई जाए। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए और घर बैठे एक बार लॉकडाउन में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय।